सो हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं लॉर्ड एंड आप देख रहे लॉर्ड गेमिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में। सो गाइस, पिछला माइनक्राफ्ट का जो एपिसोड था वो बहुत ज्यादा एपिक था। क्यों तुम्हें पता है? क्योंकि हम लोगों ने रेड किया था एंड सिटी। और गाइस, रेड से मतलब क्या ही मिला हम लोग को। हम लोग को इतना अच्छा इंचेंटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो मेरे पास क्या है, ये देखो। दिखा भाई। दो शवल है। दो शवल डायमंड के, आयरन के। क्या है उसमें देख लो। मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक में है फॉर्च्यून 2 अनब्रेकिंग 3 और एक में है फॉर्च्यून 3 अनब्रेकिंग 3 मेंडिंग तक है। नहीं, यहाँ नहीं, पे वो तुम्हारा है, ये मेरा है। अच्छा, सेम टच। ओ, और गाइस मुझे भी अच्छा खासा लूट मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे नहीं, ये नहीं था शायद, ये था फायर एस्पेक्ट 2 का स्वॉर्ड मिला था। यहाँ पे पिकैक्स मिला था, लेकिन इसमें कर्स ऑफ वैनिशिंग है। और यहाँ पे मिला था मुझे शवल, जो कि जिसमें लगा हुआ है अनब्रेकिंग 3। ओके, और यहाँ पे मुझे चेस्ट प्लेट और यहाँ तक ये भी मिला था बूट्स। चेस्ट प्लेट मुझे नहीं मिला था, चेस्ट प्लेट इसे मिला था, मैंने इससे छीन लिया। और गाइस सल्कर बॉक्स भी है। सबसे मेन चीज हमें मिल गया अपना इलाइट्रा। मुझे नहीं मिला है लेकिन। हाँ तो चलो एक बार मैं ये इलाइट्रा को यूज करके पहले दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलो गाइस एक बार उड़ते हैं। वो गाइस ये देखिए इलाइट्रा का पावर, आप देख सकते हैं। और ये थी एक छोटी जंप। मैं और ऊपर से जंप मारूंगा तो और क्या अच्छा रहेगा, लेकिन इलाइट्रा में मुझे हम लोगों को मेंडिंग लगानी पड़ेगी। और एक बार एंड सिटी मतलब रेड करना पड़ेगा शायद हम लोगों को। तुम्हारे लिए भी इलाइट्रा चाहिए। तो चलिए गाइस इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। और आज हम लोग का मिशन होगा आयरन फार्म बनाने का। जी हाँ गाइस, आप लोग बहुत ज्यादा मतलब पहले से कमेंट कर रहे हैं कि भाई आयरन फार्म बनाओ, जब से ये सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो आज हम लोग फाइनली आयरन फार्म बनाने वाले हैं। तो अंत तक पूरा दिखिएगा, क्योंकि आपको एक ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा कि कैसे आप आयरन फार्म बना सकते हैं। बोलिए गया। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है गेमजॉब। सो गाइस ये गेमजॉब के बारे में आपने सुना ही होगा। ये गेमजॉब वेबसाइट में होता क्या है कि आप कुछ बहुत ही ज्यादा इजी गेम्स खेल के आप बहुत ज्यादा कैश प्राइज जीत सकते हैं। जैसे कि आप बहुत ज्यादा इजी ऐसे मतलब क्रिकेट के गेम खेल के यहाँ पे बहुत ज्यादा कैश प्राइज जीत सकते हैं। और यहाँ तक कैश प्राइज नहीं, आप एक फोन भी जीत सकते हैं या फिर फोन का रिचार्ज भी करवा सकते हैं। सही में मैंने खुद से यूज किया है। सो गाइस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए जाके जल्दी से गेमजॉब डाउनलोड कीजिए, ऐप भी है। और आप सबसे अच्छा इसका बात मुझे ये लगता है कि आप डायरेक्टली गूगल में जाके www.gamesup.com देख सकते हैं, और वहाँ पे आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। ना कोई ऐप, ना कुछ आपको डाउनलोड करने की जरूरत है। सो गाइस ये इसका बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है। तो जल्दी जल्दी जाइए और अभी चेकआउट कीजिए। सो गाइस चलिए पहले हम लोग कुछ अपने पहले तो इसको इलाइट्रा को उतारो। बहुत ज़्यादा मतलब उड़ रहा है। ये लो, तुमको यूज करना है। हाँ, ये लो, मतलब प्लीज इसको खत्म मत करना। मतलब देखो इसका हेल्थ भी चला, हाँ, हेल्थ भी चला गया। देखो छोड़ दो इसको, रख देते हैं, थोड़ा यूज कर सकते हो। और बाकी ये इसमें कुछ है क्या? नहीं, इसमें वो वगैरह वगैरह फालतू के सामान है जो अभी हमें नहीं चाहिए। सो गाइस अभी हम लोग का मेन है कि चलो सल्कर बॉक्स बनाते हैं। हाँ, सल्कर बहुत सारा सल्कर मिला था। तुम्हें मिला था? ये सल्कर बॉक्स आ क्यों नहीं रहा? अच्छा वो छोड़ो, मुझे शायद पता है सल्कर बॉक्स कैसे बनाते है। देखो सल्कर बॉक्स बनाना बहुत ज्यादा इजी है। एक चेस्ट चाहिए और दो सल्कर बॉक्स चाहिए। वैसे आपका बन गया सल्कर बॉक्स, लेकिन वुड कहाँ पे रखा हुआ है? मैंने तो यही कहीं रखा हुआ था। मेरे पास है वुड। हाँ दो जल्दी दो मुझे। कितने सल्कर बॉक्स बनते हैं देख लेता हूँ। दो, ये लो। अरे आजा। हाँ चलो पहले तो यहाँ पे दम भर के चेस्ट बना लेते हैं। हाँ गाइस, अरे देख सकते हो यहाँ पे सल्कर बॉक्स बन रहा है। वाओ, एक दो तीन सल्कर बॉक्स हमारे पास बन गए। और हम लोग दो बना सकते हैं। तो चलो जल्दी से वुड लेके आते हैं और थोड़ा और बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे और बन गया एक और दो। चलो बहुत बढ़िया, हमारे पास 5 सल्कर बॉक्स टोटल में बन गए। ये लो, यहाँ पे आओ जल्दी। हाँ कहाँ पे हो तुम? यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे और एक में चेस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या करते है ना कि ये सल्कर बॉक्स को रखने के लिए जगह बना देते हैं। कहाँ पे रखोगे? दो चेस्ट, रुक जाओ, ये दो चेस्ट मैंने बना लिए ना। मेरा चेस्ट कहाँ गया? अच्छा एक चेस्ट ही बना है। सल्कर बॉक्स, रुको, पहले मुझे ये चेस्ट यहाँ पे रखने दो। हाँ, और यहाँ पे बाकी जो सल्कर बॉक्स है वो मैं रख देता हूँ। अभी 2 को हम लोग यूज करने वाले। ये लो तुम्हारा एक और ये है मेरा एक। तो गाइस ये सल्कर बॉक्स आपको अगर पता नहीं है कि क्या करते हैं, तो इसमें क्या करना है कि आपको जो जो सामान जरूरत है वो आपको रखना है ऐसे करके। और ये मैंने सर हम लोग कोबलस्टोन रखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग आयरन फार्म बनाने वाले हैं। और उसके बाद आप इसको तोड़ सकते हैं और जो सामान है वो इसके अंदर ही रहेगा गाइस। मतलब आप इसको एज अ
बंडल जो न्यू माइनक्राफ्ट अपडेट में आ रहा है वैसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एपिक यूज है इसका। तो चलो पहले हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स ले लेते, मतलब सारे सामान ले लेते हैं आयरन फार्म को बनाने के लिए। सो गाइस फाइनली जो है हम लोगों ने सारा जो है सब कुछ, मतलब जो जो चाहिए आयरन फार्म बनाने के लिए वो सब हमने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग के पास कुछ स्टैक्स ऑफ कॉबलस्टोन के, और यहाँ पे 21 बेड्स है, यहाँ पे 22 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 43 ग्लासेस है हम लोगों के पास। तो ये सब लगने वाले हैं। और उसके पास है ओक लीव्स और वगैरह, ऐसा कुछ है ना? नहीं, ओक लीव्स तो मेरे पास नहीं है। ओक लीव्स तुम्हारे पास नहीं? अच्छा, ओक लीव्स तो मेरे पास ही है। ये देखिए गाइस, ये ओक लीव्स मेरे पास है। और एक और एक पास, हाँ, वाटर बकेट तो हम लोग के पास ही है ना? हाँ। तो चलो अब चलते हैं यहाँ पे, बस हम लोग को अच्छा क्या वो आयरन फार्म कहाँ पे बनाओगे? हाँ वही हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ पे बनाना चाहिए, बताओ कहाँ पे। मैं सोच रहा था ये जगह कैसा है, इसको यहाँ पे भर देते हैं सारे गड्ढे को और यहाँ पे बना देते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। गड्ढा भरने में भी ब्लॉक्स लग जाएंगे। अरे तो मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे ठीक है ना? कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। हम लोग को ऊपर ही बनाना है। हाँ हाँ, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चलो अभी जल्दी से शुरू करते हैं फाउंडेशन। सो गाइस यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया स्प्लिट कंट्रोल्स, और चलिए सब कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे चाहिए मुझे कॉबल स्टोन के कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे सबसे पहले, तो ये तो ले लेता हूँ मैं। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे चार ब्लॉक्स तक हमें ऊपर जाना है। हाँ। तो चलो हम लोग चार ब्लॉक्स तक ऊपर चलते हैं। तुम बना 1 2 3 4। हाँ। अब यहाँ पे क्या करना है कि 19 ब्लॉक्स तक हमने यहाँ तक लेके जाना है, एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। So guys, ये एक साइड तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें अब ऐसे करके चारों साइड में 19 ब्लॉक्स तक लेके जाने। तो हम सोच रहे थे कि किस साइड करना चाहिए हमें, इस साइड करते यहाँ पे कवर कर देंगे, है ना? 1 2 3। अच्छा इस तरफ तुम कर लो, मैं उस तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ तुम 19 ब्लॉक्स तक लेके चलो, मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ। सो गाइस अभी तो ये 19x19 ब्लॉक्स का, चलिए हम लोग का स्क्वायर जो है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको पूरा कवर कर देना है। और इसको वो वाला तुम कवर कर दो ना, वहाँ पे देखो जो टूटा हुआ है ब्लॉक, जहाँ पे पानी वो आ रहा है वहाँ से कवर कर दो उसको। नहीं नहीं, उसको कवर करने में और, अरे कुछ नहीं होगा, तुम कवर करो ना। ठीक है, ठीक है। So guys, कमेंट करके बताना कि मुझे कैसा खेलना चाहिए, ऐसा ही स्प्लिट कंट्रोल में खेलना चाहिए या विदाउट स्प्लिट कंट्रोल खेलना चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर तो बोलते हैं कमेंट में कि स्प्लिट कंट्रोल ऑन करो, स्प्लिट कंट्रोल ऑन करो। तो इसलिए आज मैंने जो है स्प्लिट कंट्रोल ऑन कर दिया है। तो आप बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है आपको। सो गाइस कवर करना तो हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हमें क्या करना है कि बीच में चार ब्लॉक्स का हमें गैप जो है बना देना है। लेकिन मैं बीच वाला देखूं कैसे चार ब्लॉक्स का गैप हो रहा है कि नहीं। अरे वो 10 गिनना पड़ेगा, वो बाद में कर लेते हैं, या फिर करना पड़ेगा। अच्छा कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ पे हो रहा है। तो मतलब क्या मैं यहाँ पे खोद दूँ एक? हाँ। फिर कहाँ से, इधर से गिनना पड़ेगा ऐसा करके, चार करना है ना? हाँ। मतलब इधर से 10 आया, इधर से 10 आया। रुको मैं गिनता हूँ। और तुम कर लो भाई, और जो करना है चार ब्लॉक्स को करना है ना। 1 2 3 ये तुम कर लो, बाकी मैं जो वॉल है वो मैं बना दे रहा हूँ। 8। सो गाइस क्या करना है कि आपको अब दूसरा है यहाँ पे वॉल बना लेना है। तो वहाँ पे पहले आपको चार ब्लॉक्स का करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल बना लेना है। सो गाइस उसके बाद क्या करना है कि आपको ऐसे करके दो दो करके ब्लॉक्स बना लेना है, मतलब 2 ब्लॉक्स जो हाई होते हैं वैसे आपको ब्लॉक्स बना, मतलब वॉल बना लेना है। पूरा को ऐसे करके आपको कवर करना है। चलो तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ। तुम्हारा हुआ? हाँ। चार ब्लॉक्स हो गया एकदम एक्यूरेट ना? रुको देखना पड़ेगा। हाँ एक बार चेक कर लीजिए, ये वॉल है वो हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप से बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक दोस्त है राहुल नाम का, वो जो है ये गेम्स ऑफ ऐप को बहुत ज़्यादा खेलता है, और उसने बहुत अच्छे अच्छे कैश प्राइज भी जीते हैं। और उसको देख के हम लोग ने भी एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है गेम्स ऑफ पे। चलिए देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। उसका जब तक रिजल्ट आता है तब तक चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बकेट तुम इधर दे दो। हाँ ये लो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये लो, इसे इन्फिनिटी स्टोर्स बना लो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको पूरा लीव से कवर करना है ना, ऐसे करके। शायद मैं सही हूँ। हाँ, लीव से कवर करना है ऊपर में। मैं अब ज्यादातर भूल जाता हूँ। जैसे कि मॉब ना आए, देखना पीछे। हाँ हाँ, ना जाओ तुम। अच्छा सही बोला तुमने, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था। चलो इसको पहले मैं पूरा कवर कर देता हूँ, नहीं पीछे से कवर करना पड़ेगा। चलो पूरा कवर कर देते हैं, हो गया ना चारों तरफ से। हाँ ये लो तुम्हारा बकेट। ठीक है अब चलो गाइस हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। उतारो। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे फोर्स वॉकर तो मतलब परेशान कर देते हैं।
सो गाइस मुझे अभी पता चला है कि ये जो ये मतलब फ्रोस्ट वॉकर है इसको मैं उतार नहीं सकता क्योंकि इसमें कर्स और बाइंडिंग लगा हुआ है। हमारा बकेट ले लो। तो मतलब गया। हाँ ले रहा हूँ। सो गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बकेट में पानी भर के दो, पानी भर के दो, मैं तो पानी में जा नहीं सकता। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देना है बीच में, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से लेके आने, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 फिर आपको फिर से एक बीच में ब्लॉक लगाना, फिर 1 2 और ये 3 और यहाँ पे 1 2 3 और बीच में आपको एक ब्लॉक प्लेस करना है, फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करना है। कुछ ऐसा ही ना, नहीं ये वाला ब्लॉक आपको नहीं प्लेस करना, सॉरी, तो ऐसे करके आपको बनाना है और ये सेम प्रोसेस जो आपको रिपीट करना है चारों साइड के लिए। तो चलो हम लोग जल्दी से इसको भी कर देते हैं। सो हम लोग का जो लास्ट स्टेप है, मतलब लास्ट नहीं, ये थोड़ा मतलब अब कंप्लीट होने वाला हम लोग का फार्म, तो ये भी हम लोग का स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें पानी देना है। तो मैं, मुझे नहीं देना है ये पानी, मैं अगर देता हूँ तो सारा खराब हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम दे दो पानी, ठीक है? एकदम कोना में देना है गाइस। चलो पहले सो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? पहले मुझे जाने तो दो ये ब्लॉक्स, ये ब्लॉक से। सो गाइस जब तक वो ये पानी वाला काम करता है तब तक मैंने सोचा कि चलो क्यों ना विलेजर्स को लाने का इंतजाम करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि एक रेलवे सिस्टम बनाने वाला हूँ विलेजर्स को लाने के लिए। तो चलो जल्दी से वो सिस्टम बनाते हैं। और मेरे को याद है मैंने पिछली बार बनाया था मेरे सर्वाइवल सीरीज के वर्ल्ड में, मतलब अपने में खेल रहा था उसमें बनाया था। तो चलो हम लोग के पास रेलवेज है ना, मतलब रेल लाइंस वो जो होते हैं। हाँ है, बहुत सारे। हम लोगों ने जो माइनशाफ्ट से लाया था वो तो यूज नहीं किया था कहीं, वही है ना? कौन से चेस्ट में है? प्रीसियस चेस्ट में। इसमें रेल लाइंस कहाँ दिख रहा है? अच्छा यहाँ पे बस 43 तो है बस हम लोग के पास, और बनाना पड़ेगा। और ये क्या है? एक्टिवेटर रेल। ठीक है चलो जल्दी से बना लेते। ठीक है गाइस मैंने बना लिया है बहुत सारा यहाँ पे जो है रेल, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे रेल है, पावर रेल भी है। तो चलो पहले इसको लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या किया जाए। और मुझे यहाँ पे पहले तो आयरन बोल रहा हूँ मैं, मुझे चाहिए रेडस्टोन के कुछ टॉर्चेस। तो चलो रेडस्टोन के कुछ टॉर्चेस बना लेते, देखते कितने बनते हैं। यहाँ पे पहले मैं ये बना लेता हूँ और रेडस्टोन के कुछ टॉर्चेस मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 13 टॉर्चेस रेडस्टोन के जो है बना लिए। तो चलो मैंने भी कंप्लीट कर लिया है। तुमने पानी वाला कंप्लीट कर लिया ना? हाँ। ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि विलेजर्स को लाने का यहाँ पे मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा बाद में, उससे पहले जो है इसको चलो हम लोग अपने आयरन फार्म तक लेके चलते हैं। सो ये लो गाइस जो है हम लोग का रेल वो हो चुका है कंप्लीट, और इसके साथ ही साथ हम लोग का ये देखो नोटिफिकेशन भी आ गया गेमजॉब से, जो मैंने पिछले बार गेम खेला था उसका 1000 रुपीज भी मिल गया। तो चलो बहुत बढ़िया। और गेमजॉब का ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये जो है डायरेक्टली आपको पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करके देते, या फिर कोई भी UPI आप जो भी यूज़ करते हो उसमें, और इसमें पैसा का कोई झमेला नहीं, आपको डायरेक्टली मिल जाता है। तो चलो अब हम लोग क्या करना है कि माइन, कुछ हम लोग को माइन कार्ड्स चाहिए होंगे, उसके लिए हमें चाहिए कुछ आयरन्स, और यहाँ पे 2 माइन कार्ड चाहिए होंगे मुझे। यहाँ पे चलो बना लेते हैं माइन कार्ड, शायद आयरन से बन जाते हैं 1-2। चलो भाई बन चुके हैं माइन कार्ड हमारे, और इसको यूज़ करना पड़ेगा अब यहाँ पे विलेजर लाने के लिए। चलो कोई एक विलेजर, वॉलेंटियर विलेजर मिलेगा, और मैं यहाँ से लीश भी लेके जाता हूँ कि ये जो विलेजर है वो यहाँ पे डायरेक्टली बैठ जाएंगे। चलो सो गाइस इन्हें जो है मैंने भेज दिया, अभी चलो देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इन्हें भेज दिया, वो पहुंच गए क्या? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, 2 विलेजर हमारे यहाँ पे पहुंच गए हैं। अरे 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 वापस जा रहा है, वापस जा रहा है। वो ये वापस चला गया क्या? सच में ये वापस चला गया यार। रुको अभी इसके ऊपर और हमें ग्लास देना पड़ेगा। ठीक है तब तक मैं इसको लेके आता हूँ। बाकी सारे विलेजर्स निकल चुके हैं लेकिन उन्हें बाद में हम लोग भर देंगे। आ गए ना सारे विलेजर्स? हाँ पहुँच गए। ठीक है सो गाइस ये जो है फाइनली हम लोगों ने ये विलेजर्स को ऊपर पहुंचा दिया है, बहुत ज्यादा मेहनत से। सब तोड़ दो, रुक जा पहले इसको दिखाने दे दो। सो गाइस देखिए यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा ब्रीडिंग किया है और यहाँ पे 4 विलेजर्स यहाँ पे स्पॉन हुए हैं, मगर इसके बाद हम लोग और ब्रीडिंग करवाएंगे हम लोग ऑफलाइन में, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे कि ये काम करता है कि नहीं ये आयरन फार्म हम लोग का। वैसे काम तो करना चाहिए वैसे, है ना? ठीक है। अरे किलिंग चेंबर तो हमने बनाया नहीं, किलिंग चेंबर हम लोग बना लेंगे थोड़ा देर बाद। सो गाइस ये जो है हम लोग का आयरन फार्म हो चुका है कंप्लीट, बस यहाँ पे थोड़ा जो है क्लीनिंग चैम्बर बनाना है वो हम लोग बना लेंगे। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे कि ये आयरन फार्म वर्क करता है कि नहीं, वैसे वर्क तो करना चाहिए। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है हम लोगों का
गेम जॉब का, तो आप उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, तो जाइए जल्दी से जल्दी चेकआउट कीजिए, क्योंकि गेम जॉब बहुत ज़्यादा अच्छा वेबसाइट है और आप इजीली पैसा कमा सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जैसे हमारे कोई भी अपकमिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।